नमस्कार, मैं ऋतुस्मिन शर्मा। एक नृशंस धर्षण कांड और तार पिछत एगी युवती करुण मृत्यु, किंतु यह धर्षण कांड इतना जुकारी गई से समग्र मोदी सरकार, क्यों दिल्ली निर्भया कांडर नृशंसतार सहित तुलना कर उत्तर प्रदेश धर्षण घटन। धर्षणकारी डिंगर हार टुकुरा टुकुर कर दी युवतीगढ़, बाहु पर्यंत भांगि दिया युवतीगढ़, जिभा आघात करा हुई दलित सम्प्रदाय युवतीगढ़ी अवशेष मृत्युर सहित जुजी जुजी शेष निश्वास त्याग कर। योगी आदित्यनाथर उत्तर प्रदेश इतना देशर भरते आटको बेसि धर्षण संघटित। उत्तर प्रदेश निर्वाचन पूर्वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अन्यतम निर्वाचन संलाप आसिल एने धरणर। उत्तर प्रदेश की माँ बेटी सलामत नहीं है, शाम को अकेली घर के बाहर निकल नहीं पाती है, क्या कारण है? और इतिया नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथर उत्तर प्रदेश प्रति दुई घंटा एटा को धर्षण संघटित है। प्राय दूटा सप्ताह पूर्वे दलबद्ध धर्षण बलि हुआ युवतीगढ़ अवशेष मृत्यु हल। ये धर्षण इमान निशंस आसिल जे डिंगर तीन ठाईत युवतीगढ़ हार भांगिल, बाउ कांधु भांगि दिया, रक्तक्त हो पड़ युवतीगढ़ सर्वशरीर, शरीर पक्षाघात आक्रांत होगे लगे, उशा निशा लबपरा ना युवतीगढ़। यह नृशंस धर्षण कार्य निर्भया कांडर से बर्बरत सकुके मन पेल दिले और अवशेष मृत्यु सवटिले दुर्भगिया युवतीगढ़। कानून व्यवस्था तो खराब है, जब उन लोगों की तो कागज एकदम मन जो है बड़े हुए हैं, क्योंकि वो अगर उन्हें डर दहशत होती तो इतनी बड़ी कहानी को अंजाम न देते वो लोग। अगर लड़की की कमर तोड़ दी, लड़की की जीभ काट दी, इससे बड़ा क्या कृत्य होगा? दुसप्ताह पूर्वे संघटित हुई जघन्य धर्षण कांड। उत्तर प्रदेश हाथरासर एक घटन देश कपाले। সেই সময় ঘাঁহ কাটি আছিল বিশ বছৰীয়া যুৱতীগৰাকীয়ে। তেনেতে আহিছিল চাৰি পাঁচজনীয়া এটা দুৰ্বৃত্তৰ দল আৰু চাৰি পাঁচজনীয়া সেই যুৱকৰ দলটোৱে দোপাত্তাৰে বান্ধি কাষৰ হাবিতলীয়া অঞ্চললৈ টানি আজৰি যুৱতীগৰাকীক লৈ যায়। কিন্তু আপুনি জানি চক খাব যে যোগী আদিত্যনাথৰ উত্তৰ প্ৰদেশত মহিলাৰ ওপৰত সংঘটিত অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত দেশৰ ভিতৰত প্ৰথম স্থান দখল কৰিছে। প্ৰতি দুটা ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে এটাকৈ ধৰ্ষণ কাৰ্য হয় উত্তৰ প্ৰদেশত। নেচনেল ক্ৰাইম ব্যুৰ ৰিপৰ্ট অনুসৰি প্ৰতি দুঘণ্টাৰ মূৰত একোটাকৈ ধৰ্ষণ সংঘটিত হয় যোগীৰ উত্তৰ প্ৰদেশত। প্ৰতি নব্বৈ মিনিটত শিশুৰ ওপৰত এবাৰকৈ নিৰ্যাতন চলে। এটা বছৰত 59,445টা নাৰীৰ ওপৰত নিৰ্যাতন সংঘটিত হৈছে কেৱল উত্তৰ প্ৰদেশতেই। প্ৰতিদিনে উত্তৰ প্ৰদেশত নাৰী নিৰ্যাতন সংঘটিত হয় গড়ে 162টাকৈ। বছৰি 19,936টা শিশু নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হয় এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশত। প্ৰতিদিনে 55টা শিশু নিৰ্যাতনৰ বলি হয় উত্তৰ প্ৰদেশত। যৌতুকজনিত কাৰণত মৃত্যুক সাৱতে বছৰি 2,444গৰাকী বোৱাৰীয়ে। ইতিমধ্যে এই নিশংস ঘটনাই সকলোকে জোকাৰি গৈছে। हम फिर 2012 में पहुंच गए। सुबह सुबह जैसे उठे हमें खबर मिली कि आज फिर एक बच्ची अपनी जिंदगी से हाथ धो दी। बहुत दुख होता है, हम बार बार ऐसे घटनाएं सुनते हैं, ऐसे बच्चियों को साथ हैवानियत होती है, लेकिन वही सुनने को मिलता है मुजरिम पकड़े गए, जेल चले गए,
और फिर दो दिन चार दिन बाद दूसरी केस हो जाती है। तो सबसे पहले जो हाथरस की बेटी के साथ जो हादसा हुआ, आज बेटी ने दम तोड़ दिया। मैं उनके परिवार के साथ हूँ। जो चला गया हम वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन मैं उनके माँ बाप को विश्वास दिलाती हूँ कि जो भी हो पड़ेगा हम उनके साथ हैं। और यूपी सरकार और पुलिस से हमारी रिक्वेस्ट है कि जो भी मुजरिम है उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस को लगाया जाए, उन मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी की सजा हो और बच्ची को न्याय मिले। हमारी सरकार से पुलिस से यही मांग है। ইতিমধ্যে যুবতীগৰাকীৰ সৈতে ধৰ্ষণ কাৰ্য আৰু অত্যাচাৰ চলোৱাৰ কথা যুৱতীগৰাকীয়ে নিজেই আৰক্ষীক আকৌ স্বীকাৰ কৰি গৈছে আৰু তেওঁৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত ইতিমধ্যে চাৰিগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। এওঁলোকৰ তিনিজনৰ নাম হৈছে ৰামবীৰ, অন্তৰ সিং, ৰাজু। কিন্তু আচৰিত কথা, উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে প্ৰথম অৱস্থাত এই ঘটনাক গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। কিন্তু এই ঘটনাই প্ৰমাণ কৰি থৈ গ'ল উত্তৰ প্ৰদেশ কিমান সুৰক্ষিত।